रायपुर दुर्ग राजनांदगांव के पास एक मऊहा भाटा गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1969 में। और गरीब किसान होने के कारण मेरे माँ बाप हर साल पलायन करते थे, इस कारण मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाया। लेकिन बचपन से मैं बहुत चुलबुला था, जैसे डिब्बा हुआ, रामलीला देख लिया बचपन में तो उसका नकल करना, नाचा देखा तो नाचा का नकल करना, इस टाइप का मेरा स्वभाव था। लेकिन स्थाई हम छत्तीसगढ़ में रुक नहीं पाते थे, हमारे माँ बाप जो है बचपन से हमें पलायन करने ले जाता था, कभी महाराष्ट्र चला गया, वर्धा नागपुर चला गया, कभी और किसी शहर में चला गया, ऐसे जाते रहे। तो 1981 में मेरे माता पिता जी जो हैं उस छोटे से गांव मऊहा भाटा से भिलाई पलायन करने आया। वहाँ मेरे पिताजी को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा, तो वहाँ पे हम स्थायी हो गए और आज तक के भिलाई में ही घर है। तो भिलाई में आने के बाद फिर से मैं मतलब पढ़ाई तो करता नहीं था, घूमता था, माँ बाप काम में जाते थे और एक मेरा छोटा भाई था उसको लेके मैं इधर इधर घूमता था, उसका देखरेख करता था। फिर आसपास वाले बोला कि तुम्हारे बच्चे जो बच्चा जो है ओंकार बहुत अच्छा है, उसको कलाकारी का शौक़ है, तो इसको बिगड़ने मत दो, इसको स्कूल में डालो। तो मेरे माता पिता जी जो हैं, बिंदा नगर में रहता हूँ मैं भिलाई में, तो वहाँ एक 6 खंभे का स्कूल था पहली से तीसरी तक के, तो उस स्कूल में ले जाके मुझे भर्ती कराया गया। तो उस वक्त तक के मेरा उम्र 12 वर्ष की हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी तक के महाराष्ट्र में पढ़ाई किया, वहाँ से फिर वापस छत्तीसगढ़ गांव आया मऊहा भाटा, फिर मऊहा भाटा में आके फिर पहली से चालू किया, फिर 2-3 साल वहाँ पढ़ के फिर भिलाई आ गए। ऐसे ऐसे तो 12 साल की उम्र में स्थायी रूप से 5वीं तक के मेरा पढ़ाई हुआ है भिलाई में। ओंकार जी, ओंकार जी ये बताइए, क्योंकि पढ़ाई की आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या अगर पढ़ाई अच्छे से हुई होती तो कला के क्षेत्र में और नाम हुआ होता, या दोनों अलग अलग चीज है? मैं ऐसा समझता हूँ कि हाँ, ये भी बात सही है, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा से हुआ होता तो शायद मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उसके लिए मुझे फायदा होता, क्योंकि अंग्रेजी बोल सकता अच्छा से, पढ़े लिखे तरीक़ा से समझ के बात कर सकता था। तो ये अभी थोड़ा खलता है कि मैं आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, या पढ़ाई करते तो शायद इस फील्ड में आते ही नहीं। जी, ये भी हो सकता है, नहीं आ सकता था।